बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन उसके यौगिक को शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये कार्बन आखिर मिलता कहाँ है। तो सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं बच्चों, उनमें सब में कार्बन होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले कार्बन के नेचर को हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे होंगे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 6 है और जो परमाणु भार है उसका वो 12 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो बच्चों कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कार्बन में प्रोटॉन कितने हुए? 6। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6 आ गए बच्चों, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जो इलेक्ट्रॉन 6 हैं उनको बांटना, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से जो आउटर मोस्ट सेल होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं वैलेंसी सेल, ठीक है। वैलेंसी सेल, इसे वैलेंसी सेल कहते हैं, यानी हिंदी में इसे वाह्य कोश कहते हैं। और जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं 4, उन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब वाह्य कोश इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व में जितने वाह्य कोश इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 होगी क्योंकि उसके वाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप देख रहे होंगे बच्चों इसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और ऑक्सीजन का 8-8। तो अब आप यहाँ पर इन जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, आप इन्हें के और एल में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। तो 6 को जब आप बांटेंगे 2 और 4, के में 2, एल में 4, फिर ऑक्सीजन के 8 हैं तो के में 2 और एल में 6, फिर ऑक्सीजन के 8 हैं, के में 2 और एल में 6। इसे बताने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन के बारे में मैंने लिखा। ये मैंने इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ये गैसें किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि ये इनर्ट होती हैं, अक्रिय होती हैं। आखिर इनका इनर्ट या फिर अक्रिय होने का क्या कारण है कि क्यों नहीं ये रिएक्ट करती हैं? क्योंकि बच्चों अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, हीलियम का 2 है तो उसके के में 2 गए, नियॉन का 10 है, के में 2, एल में 8, आर्गन का 18 है, के में 2, एल में 8 और एम में 8। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि के में हीलियम के में 2 हैं जो कि पूरा भरा है, नियॉन के एल में 8 हैं जो कि पूरा भरा है, आर्गन के भी एम में 8 हैं जो कि पूरा भरा हुआ है। इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्थायी हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, कार्बन के आउटर मोस्ट यानी एल में 4 हैं, उसे भी नियॉन की तरह 8 करने हैं। ऑक्सीजन के 6 हैं, उसे भी नियॉन की तरह 8। क्यों नियॉन के जैसा बनना चाहता है? क्योंकि इन सब के पास, कार्बन के पास भी KL है, ऑक्सीजन के पास भी KL है और ऑक्सीजन के पास भी KL है। यहाँ पर कौन सी गैस है जिसके पास केवल KL है? वो है नियॉन। तो सबको नियॉन की तरह एल में 8 करने हैं, देखिए एल में 8 करने हैं। अब यहाँ पर हम ये सब करने कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर कार्बन को बीच में रखेंगे और दोनों ऑक्सीजन को किनारे रखेंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को हमने 2 इस साइड रखे और 2 इस साइड रखे। इधर ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के 6 हैं, देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन वो बीच में रखेगा कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। साझेदारी का मीनिंग होता है कार्बन अगर 2 बीच में रख रहा है तो इस ऑक्सीजन को भी उसके साथ 2 बीच में रखने होंगे। भाई अगर ये 1 रखेगा तो इसे भी 1 रखना होगा, लेकिन क्योंकि इनका टारगेट है कि इन्हें एल में 8 लाने हैं, तो कार्बन ने 2 रखे तो इस ऑक्सीजन ने भी 2 रखे, बराबर की साझेदारी, ठीक है। इधर भी ऑक्सीजन ने 2 बीच में रखे और इस ऑक्सीजन ने 2 रखे। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम शेयरिंग करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही बनाना है। जैसे कार्बन के 4 हैं तो 1, 2, 3, 4 ये क्रॉस वाले कार्बन के हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं तो ऑक्सीजन के मैंने डॉट से बताए हैं 2, 2, 4 और 2, 6। कार्बन ने कहा 2 मैं रखूंगा, 2 तू बीच में रख,
चल दोनों का काम चल जाएगा, दोनों के 8 हो जाएंगे। इसी तरह इधर इस ऑक्सीजन के 6 हैं बच्चों, 2, 2, 4 और 2, 6। यही इस ऑक्सीजन और कार्बन ने साझेदारी करी, दो दो बीच में रख दिए। तो दो क्रॉस वाले कार्बन के हैं और ये डॉट वाले ऑक्सीजन के हैं। इस तरह से इस ऑक्सीजन को भी 8 मिल गए। अब आप देखोगे इस कार्बन को भी 8 मिल गए। तो ये है बच्चों साझेदारी, जिसमें बराबर की साझेदारी करेंगे। कार्बन 2 रखेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 रखे, ये ऑक्सीजन ने 2 रखा, इसने भी 2 रखा। अब इस तरह से कार्बन के आउटर मोस्ट में जहाँ पहले 4 हो रहे थे क्रॉस वाले, अब 8 हो गए। इधर इस ऑक्सीजन के भी जहाँ पहले 6 हो रहे थे, अब वो 8 हो गए। इधर इस ऑक्सीजन के भी जहां पहले 6 हो रहे थे तो 8 हो गए। अब हम यहां पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पर भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का सिंगल और डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को समझ सकते हैं। एक मॉलिक्यूल और हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉन भी 1 हुए, इलेक्ट्रॉन भी 1 हुए, तो इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 है तो के में वो 1 है। इसी तरह इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है के में। अब आप देखेंगे यहाँ बगल में मैंने हीलियम लिखा है, इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो के में गया। और के में अगर हम हीलियम को देखेंगे तो हीलियम के में 2 हैं। हीलियम एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है और स्थायी है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती क्योंकि उसका के में 2 है और वो पूरा भरा है। अब हाइड्रोजन भी चाहता है कि मेरे भी हीलियम की तरह के में 2 हो जाएं। तो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, ऐसे हम इन्हें रखेंगे और इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर की साझेदारी करेंगे कि चल एक मैं रखता हूँ बीच में, एक तू रख। तो इस तरह से अब दोनों का उस पर अधिकार हो गया और इसको भी 2 मिल गए और इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल गए। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन का ये बना सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। और इसे कहते हैं बच्चों लुईस स्ट्रक्चर या फिर शेयरिंग वाला स्ट्रक्चर हम इसे कह देंगे। तो इस तरह से हमने अभी हमने 2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया। तो फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।